आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत जोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। सो इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इसके माध्यम, इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाएँ, ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। सो कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और टेलीविजन के माध्यम से जितने भी आप लोग देख रहे हैं इस नवजीवन के कार्यक्रम को, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में प्रभु बहुत आशीष दे और बने रहें अंत तक, ताकि हम आपके लिए एक विशेष प्रार्थना भी करें। और आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही विशेष है। आप में से कितने के पास आपकी अपनी बाइबल है, उठा करके दिखाएं। आई वांट टू सी काउंट। यस, ऑलमोस्ट वी हैव 60% बाइबल्स वी हैव। और अगर आपके पास बाइबिल है तो आप अपनी तलवार साथ लेकर आए हैं। यस, और अपनी तलवार को चलाना भी मैं आपको सिखाऊंगा जब जब जरूरत पड़ेगी। आज का जो मेरा विषय, यहूना रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी चौथी आयत को आप मेरे लिए पढ़ें, अमन भाई, बहुत ही तीव्र आवाज में और क्विकली।
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे यदि डाली अगर दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो तुम नहीं फल सकते। ये पास्टर रूबेन का वर्ड नहीं है, ये पास्टर रूबेन की तरफ से दिया गया आपको कोई सजेशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन है जो इस बात को कहता है। यहुन्ना के अंदर होकर के प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला और यहुन्ना ने इसको रिकॉर्ड किया। और यहां पर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि, वचन में लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। कई इंग्लिश गाने आपने सुने होंगे, अबाइड इन मी, अबाइड इन मी, बहुत से ऐसे गाने आपने सुने होंगे। और अक्सर हम इस बात में बोलते हैं प्रभु में बने रहो, प्रभु के अंदर बने रहो। लेकिन आज हम थोड़ा गहराई से देखेंगे कि प्रभु के साथ बने रहना और प्रभु के साथ स्थायी रीति से बने रहने के क्या मायने हैं। Why we do have to stay connected with the Lord? क्यों प्रभु के साथ हमें अबाइड का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है। अबाइड का मतलब इंग्लिश में अबाइड है, और हिंदी में अगर इसका मैं मतलब बताऊं तो हिंदी में इसका मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर वेल कनेक्टेड रहना। यानी कि डाली का जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह यहां पर दे रहे हैं, आपको मालूम है डाली जो कनेक्ट होती है तो वो कहीं से जोड़ी नहीं गई है, वो डाली बाहर से जोड़ी नहीं गई है, वो डाली दाख लता का ही हिस्सा है, वो उसी में से निकली है। अब डाली चूंकि उस पेड़ का हिस्सा है, इसलिए डाली को जितनी ताकत की जरूरत है, जितने पोषण की जरूरत है, उस पेड़ में से निकल कर आ रहा है। हम प्रभु में बने रहने का मतलब अपनी धार्मिकता को समझते हैं कि जितना हम धार्मिक होंगे हम प्रभु में उतना बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, डे वन से जब से मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं नवजीवन में, मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आया, सबसे बड़ा टारगेट उसका धार्मिक लोग ही थे। उसने धर्मियों को बहुत लताड़ा, लेकिन उसने पापियों को गले से लगाया। क्यों, कारण क्या था, मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि ये लोग अपने कामों से तो धर्मी थे लेकिन प्रभु में बने नहीं थे। और आपको एक चीज और बता देता हूं, आज शाम को जितना व्यक्ति धार्मिक होगा वो उतना प्रभु में बना नहीं होगा। आप बोलेंगे ये बात आज इन्होंने नई थियोलॉजी बता दी। यस, क्योंकि आपकी धार्मिकता आपको कभी प्रभु के सामने अंगीकार करने ही नहीं देगी। आपकी धार्मिकता आपको हमेशा हमेशा ऐसे हाइप पर रखेगी कि आप परमेश्वर के सामने कभी नहीं टूट पाएंगे। जब जब टूटना चाहेंगे आपके दिमाग में इस बात को आएगा कि मैं तो ऑलरेडी बहुत धार्मिक हूं। और फक्की फरीसियों के साथ यही प्रॉब्लम थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम चूना पुती हुई कब्रें हो, तुम ऊपर से दिखते हो सफेद लेकिन अंदर सड़ रहे हो। जो अपने आप से फलने की कोशिश करते हैं अपने आप से, मेरे प्रियो हम एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, एक महीना कोशिश करेंगे खुद फलने की, लेकिन मेरे प्रियो जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी जहां हमको लगेगा यार इतना प्रार्थना करते हैं हम, इतना परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, या फिर हम इतना धार्मिक काम करते हैं, हम टाइथ ऑफरिंग देते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम मैसेजेस सुनते हैं, सब कुछ तो हम करते हैं, फिर मेरे जीवन के अंदर निराशा क्यों है, फिर मेरे जीवन के अंदर हार का सामना मुझे क्यों करना पड़ रहा है। मेरे प्रियो यही तो कैच है जो शैतान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे आंखों पर चढ़ा रखा है। फट से चढ़ा दिया उसने कि तू बहुत धर्मी है भाई, चिंता मत कर, सब चंगा सी। लेकिन जिस दिन आप अपनी आंखों से धार्मिकता का चश्मा उतारते हैं और परमेश्वर की क्रूस का चश्मा पहनते हैं, आपको पता लगता है कि मैं तो पापी हूं, मुझे रोज अंगीकार की जरूरत है, मुझे रोज प्रभु के सामने टूटने की जरूरत है। और यही चीज आपको परमेश्वर के साथ वेल कनेक्ट करती है। और जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं जीवन वहीं से आ रहा है, और वो आपको प्रतिदिन का जीवन देगा, प्रतिदिन की ऊर्जा देगा। पाप आएंगे, अभिलाषा आएंगी, चेष्टाएं आएंगी, निराशाएं आएंगी, लेकिन हर बात में परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप फल लाएं, आप फलवंत बने रहें। तो यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ प्रभु का दास यहुन्ना इसको कोट करता है, डाली यदि स्थाई रीति से पेड़ में ना बनी रहे तो वो फल नहीं सकती। पहली चीज, स्थाई रीति से बना रहना बहुत जरूरी है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं। अगर आप में से, मैं अगर आपसे पूछूं आप लोग कितने लोग हैं जो सिर्फ दो चार दस साल तक के लिए आशीषित होना चाहते हैं, आप कहेंगे हम तो जीवन भर
फलवंत होता रहना चाहते हैं, हम जिंदगी भर चाहते हैं हमारा परिवार फलवंत हो, हम आशीषित हो, हर व्यक्ति आशीष पाना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि एक साल, दो साल, दस साल, वो चाहता है मैं भी आशीषित हूं, मेरे बच्चे भी आशीषित हों, उनके बच्चे भी आशीषित हों। और सारा खेल तो इसी बात का है। संसार में तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है ना कि तुम्हारे सामने बहुत कष्ट होंगे, लेकिन इन कष्टों के अंदर भी, इन कष्टों में भी परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी सामर्थ देता है जो इन कष्टों में से भी प्रभु निकालता है, और वो सामर्थ के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, ना कि बढ़ते हैं, वो फलवंत होते हैं। यदि डाली अपने आप से कोशिश कर रही है कभी फल नहीं पाएगी। हम अपने आप से धनी होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने 10-10, 20-20 साल कोशिश करी, नहीं धनी हो पाए। लेकिन मैंने एक व्यक्ति को देखा, बल्कि हजारों को ऐसे देखा, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर में साटने की कोशिश करी, उन्होंने प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उनके अकाउंट में या उनके जीवन में बहुत पैसा नहीं देखा, लेकिन उनके घरों को मैंने आबाद होते हुए देखा है। उनके घरों के अंदर मैंने आशीषों के पुलंदे देखे हैं, पुलंदे। जब मैं उस घर में जाकर के बैठा तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स ऐसी आई, जब मुझे लगा इस घर में परमेश्वर का वास है, क्योंकि उस घर के अंदर मैंने परमेश्वर की असीम शांति को महसूस किया। मेरे प्रियो, प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का वृक्ष लाख, प्रभु ने बोला सच्ची दाखलता मैं हूं, मुझमें से न्यूट्रिशन निकल रहा है। आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। इस जीवन को जीने के लिए आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये सारे न्यूट्रिशन आप प्रभु में ही पाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल होम। अगर आपका हाउस, आपका घर, अगर आपका घर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का मतलब मैं स्ट्रक्चर से बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन में जो लिखा है ना कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, मेरे प्रियो, घर का स्ट्रक्चर कैसा भी क्यों ना हो, छोटा है, बड़ा है, दो कमरे हैं, चार कमरे हैं, लेकिन जिस घर के अंदर आनंद की रोटी खाई जाती है, जिस घर के अंदर शांति बसती है, वो घर एक मजबूत कलीसिया बनाता है, वो घर एक सामर्थ्य के साथ समाज का निर्माण करता है। मेरे प्रियो, मेरा मकसद आप लोगों को कभी धर्मी बनाने का नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन। आपकी कलीसिया बेहतर काम कर रही है इसके लिए। जिस कलीसिया से आप आते हैं वो आपके लिए बेहतर काम कर रहे हैं, उनके पास सारे वो तरीके हैं आपको अच्छा धर्मी बनाने के, बहुत। लेकिन मेरा कर्तव्य यह है कि आप परमेश्वर के साथ दोबारा अपने आप का कमिटमेंट करके, अपने आप को तोड़ करके जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं से सारी आशीषें बह रही हैं। तो हम क्यों उस चीज से महरूम रहे? हम भी तो आशीष लेने के लिए हकदार हैं। जब प्रभु के विश्वास में हम आते हैं, और विश्वास में आने के बाद हमारा विश्वास में तो आ गए, लेकिन हमारे विश्वास के अधूरेपन के वजह से, यीशु मसीह में विश्वास कर लिया लेकिन हम सिवाने पे खड़े हुए हैं। जिस दिन आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन आपके अंदर आया, उसका समाचार, उसका विश्वास आपके अंदर आया, उस दिन आपने अपना कमिटमेंट किया, आज से मैं प्रभु के साथ चलूंगा, लेकिन आप जैसे ही घर गए, जैसी लालसाओं में पड़े, आपको परमेश्वर ने शुद्ध किया था उस मीटिंग में, आपको परमेश्वर ने माफ किया था उस कन्वेंशन में, लेकिन जैसे ही आप गए, प्रभु ने आपको उस दिन चंगाई दी थी, माफ किया था, लेकिन जैसे ही आप घर गए, आपने वही अभिलाषा, वही पाप, वही गंदगी को फिर उठाया और उठा करके अपने जीवन में फिर से साट लिया। मेरे प्रियो, ये वो भयानक स्थिति है जो आपकी स्थिति पहले से बदतर कर देती है। अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, यह अवश्य है कि आप उसकी चंगाई में बने रहें। यदि परमेश्वर ने आपको माफ किया है गुनाहों को, तो अच्छा है गुनाहों की माफी में बने रहें। जब अशुद्ध आत्मा, अभिलाषा की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अश्लीलता की आत्मा, गंदी निगाहों की आत्मा, पियक्कड़पन की आत्मा, और नाना प्रकार की लड़ाई की, लालच की, और नाना प्रकार की विद्रोह की आत्मा जब एक दिन परमेश्वर के नाम से निकल जाती है, फिर क्या होता है? वचन में देखिए, अधूरे विश्वास से सावधान, मेरा आज का टॉपिक है, इसलिए सावधान हो जाइए। आपका विश्वास अगर मसीह यीशु में आया है, तो आप पूरी तरीके से प्रभु के साथ कनेक्ट करें, पूरी तरीके से प्रभु के साथ जुड़ जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि उसी में से आपके लिए सारी ताकत आ रही है। और जब प्रभु के साथ आप जुड़े रहेंगे, अंधकार की कोई शक्ति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर
हाँ भी कभी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी कंडीशन है, वो भी आप ही को करना है। वचन क्या बता रहा है पढ़ें। हाँ, जिस दिन प्रभु ने आपके अंदर से दुष्टात्मा को निकाला था, जिस दिन आप प्रभु के सामने टूटे, अंगीकार किया, वचन से टूट गए, उस दिन निकल गई थी वो। कैसी भी दुष्टात्मा, हर प्रकार की दुष्टात्मा है, हर प्रकार की दुष्टात्मा है। दुष्ट की बड़ी फौज इस पूरे ब्रह्मांड के आउटर स्पेस में काम कर रही है, वचन बताता है। अब दुष्टात्माओं का बड़ा खेल होता है। जिस दिन परमेश्वर ने, आपने परमेश्वर के सामने टूटे और प्रभु के सामने जब आप टूट गए, तो ये दुष्टात्मा निकल गई। किसी भी प्रकार की थी, अश्लीलता की थी, व्यभिचार की थी, और ये दुष्टात्मा जो अंदर लग जाती, कई बार तो पागलपन कराती है। लेकिन दूसरी टाइप की दुष्टात्मा जो होती है, वो आपको वो गंदे काम करने के लिए उकसाती है। आपको लगेगा ये तो मेरा मानवीय स्वभाव है, इसलिए मेरा मन कर रहा है। नहीं, वो गंदी दुष्टात्मा ने हमको जकड़ रखा है। प्रभु का वचन बताता है, अश्लीलता की दुष्टात्मा, गंदी हरकत करने की दुष्टात्मा, गाली देने की दुष्टात्मा, लड़ाई करने की दुष्टात्मा, लालच की दुष्टात्मा, झूठ बोलने की दुष्टात्मा। वचन में लिखा है ना, दुष्टात्मा ने बोला कि मैं झूठ बोलने वाली आत्मा हूं, मैं उसमें जाकर के बैठ जाऊंगी। वचन की सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। हर प्रकार की गंदी दुष्टात्मा जब हमारे अंदर लग जाती है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट वो काम बार 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 करते हैं। लेकिन आपको एक खुशखबरी बताता हूं, एक दिन परमेश्वर ने आपको प्रार्थना में, जब आप टूटे, जब आप वचन से टूटे, तो उस दिन प्रभु ने आपको आजाद कर दिया उस दुष्टात्मा से। मान लीजिए आप उस दिन आजाद हो गए, आपके अंदर से वो दुष्टात्मा निकल गई। लेकिन आपने क्या किया, हमने क्या किया, हम घर गए और घर जाने के पश्चात हमने दोबारा उस घर को, जो घर खुल गया था, फिर से पढ़े भाई क्या लिखा है वचन में, पढ़े। तब वो अपने साथ तो आती है, लेकिन अपने से भी साथ बुरी गंदी दुष्टात्माओं को साथ लेकर आती है। और फिर तांडव सुनिए, और फिर दोबारा पैठ कर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। मेरे प्रिय, एक उदाहरण बताता हूं बाइबल से आपको, बहुत बढ़िया। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 3 से 6 तक पढ़ें। यह घटना बिल्कुल सटीक घटना है, कैसे दुष्टात्मा साइलेंटली घुसता है, एक्शन नहीं देता है, लेकिन जबरदस्त एक्शन करके जाता है। पढ़िए, बड़ा खास करेक्टर है ये। ओ यस, तब शैतान दुष्टात्मा यहूदा इस्करियोती में समा गई। कोई भी एक्शन नहीं दिया था। देखिए, यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है, साइलेंटली शैतान उसके अंदर दुष्टात्मा समा गई। किस चीज की दुष्टात्मा समाई थी, बताइए जरा, उसमें कौन सी दुष्टात्मा थी उसमें? हैं? यस, लालच की, द्वेष की, मक्कारी की दुष्टात्मा थी। और वो क्या लिखा है उसमें, फिर से पढ़े भाई वचन को। तब शैतान यहूदा में समा गया, जो स्क्रोती कहलाता था, और वो 12 चेलों में गिना जाता था। भैया, परमेश्वर के पहले 12 चेले, मोस्ट अनॉइंटेड एंड कॉल्ड, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम लेके बुलाया था, उनमें गिना जाता था, उसमें तो घुस गया शैतान। अब बताइए आगे पढ़ें। अब उसने क्या करा, अब चूंकि इसके अंदर शैतान दुष्ट आत्मा घुस गया है, अब देखिए उन 12 के अंदर यह है। एक चीज और आपको बताऊंगा, ये सबसे पहली कलीसिया थी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के साथ बना के खड़ी करी थी, राइट? आप लोगों को सबको मालूम। और इस कलीसिया में सबसे वीक पार्टनर जानता है कौन था? यहूदा ही था। जो सबसे ज्यादा आत्मा में कमजोर होगा, शैतान उसी को टारगेट बनाएगा। और ये आपके घरों की भी स्थिति बता रहा हूं, पॉइंट को नोट करके जाइएगा। आज आपके घर के अंदर जो सबसे वीक इंसान होगा, शैतान उसी के द्वारा आपके घर के अंदर निराशा और विनाश लेकर आएगा, क्योंकि उसमें घुसेगा। इसलिए प्रभु का वचन बार बार कहता है, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, अपनी सारी खिड़कियां बंद कर लो, सारे सिवाने घेर लो, क्योंकि वो चालाकी के साथ सबसे कमजोर पात्रों में घुसेगा और घर के अंदर तांडव मचवाएगा। और यहूदा ने नहीं सोचा था कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा, लेकिन जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर था, उसने उसके अंदर जाकर के लालच की, ऐसी आंखें उसकी लाल कर दी कि वो लालच और
पूरी तरीके से द्वेष में इस तरीके से भर गया कि उसने अपने गुरु को जिसके साथ रोटी खाता था पकड़वा दिया। ये चेला प्रभु यीशु मसीह का, इसको नहीं मालूम था कि जो मैं करने जा रहा हूं वो मुझ में से दुष्ट आत्मा में लग चुकी है। दुष्ट आत्मा ने इसको ना खेलने दिया, ना दुष्ट आत्मा ने कोई साइन दिए। ये लोगों के साथ उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, यीशु मसीह के साथ रोज सेवा पे जा रहा था, लेकिन दुष्ट आत्मा अंदर थी। और जानते क्या हुआ, जब सब खेल हो गया उसके बाद इस दुष्ट आत्मा ने इसको भी नहीं छोड़ा। इसको ले जाने के बाद वचन बताता है यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को खुद फांसी पे लटकाया, और उसके बाद उसके शव में कीड़े पड़ गए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय फिर से पढ़ने मेरे भाई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है अधूरा विश्वास मत करो मुझ में, अधूरे रीति से मत जुड़े रहो मुझ पे, ईसाई बन के मत जुड़े रहो मुझ पर, धर्मी बन के मत जुड़े रहो, तुम अधूरे हो। ये सब दिखाने का खावा है, लेकिन वचन क्या कह रहा है 7:4 में फिर से पढ़ें, तुम मुझ में बने रहो मेरे बेटे बेटी, मैं तुम में, हां नहीं फल सकती। 5 पढ़ें, मैं ही दाख लेता हूं और तुम सब डालियां हो, जो मुझ में वेल कनेक्टेड रहता है और मैं उसमें अबाइड रहता हूं, उसमें समागम रहता है पूरी तरीके से, कोई उसके अंदर जोड़ नहीं है, बिना जोड़ के जुड़ा रहता है, वो बहुत फल फलता है। उसके घर के अंदर आशीष बता रहा हूं आपको, क्योंकि कल को जब आपके घर में आशीष आएंगी तो आपको पता तो चलेगा, पास्टर रूबेन ने बताया था आपके घर में एक व्यक्ति कमाएगा, लेकिन आपके घर के अंदर आशीष इतनी होंगी आपको लगेगा यार इसी में कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, अच्छा पहन भी रहे हैं और सेविंग भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों पे हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जरूरत से ज्यादा प्रभु के साथ चल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर में परमेश्वर की आत्मा बैठ गई है आकर, क्योंकि आप कलीसिया, आप दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं, और उस दाखलता में से क्या निकल रही है, भली भली आशीषें निकल रही हैं, भली भली आशीषें। आपकी कलीसिया, आपका पारिवारिक कलीसिया, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके बच्चे, आपका घर, आपका अन्नजल, आपकी तिजोरी, आपका बैंक, सब आशीषित हो रहा है। और आगे पढ़ें, क्योंकि मुझ दाखलता से अलग होकर तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मुझ दाखलता से अलग होकर तुमको, कई बार प्रभु हमको हमारी प्रार्थना सुनकर के आशीष देता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर के हमें आशीष देता है। अच्छी जॉब दे दी, प्रभु आशीष जानते हैं आपको क्यों देता है कई बार, जबकि मालूम है कि ये आशीष लेकर के भागने वाला है। प्रभु आपको आशीष देकर हमारी औकात दिखाता है हमको कि देखो मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं, और तुम्हें यह भी बताऊंगा आशीष लेकर के सब कुछ करोगे, तुम खाओगे, पियोगे, मौज मस्ती करोगे, शॉपिंग करोगे, मोमोज खाओगे, पार्टीज करोगे, दोस्तों के साथ गपशप मारोगे, लेकिन जब प्रभु के भवन का समय आएगा तब तुम जाकर बीमार पड़ जाओगे, बोले मैं मन से बहुत टूटा हुआ हूं। ये बहानेबाजी है, क्योंकि वो प्रभु के साथ जीना नहीं चाहते हैं, और प्रभु उनको दिखाता देख तुझे मैंने आशीष दी थी, और जो आशीष मैंने तुझे दिए अब आगे से तुम उससे कभी कह नहीं पाएगा कि मैं आशीष नहीं देता हूं। तो जो देता है आशीष वो आपसे आशीष झपट कर छीन करके दूसरे को देने की ताकत रखता है। जो आपको एक पद ऊपर लेके जा सकता है वो आपको 10 नीचे गिराने की सामर्थ्य भी रखता है। उसने नबूकदनेस्सर को नहीं छोड़ा, यू नो दैट, वो तो राजा था, हमारी क्या बिसात है, हमें थोड़ा सा पैसा मिल गया, थोड़ा सा नौकरी मिल गई, थोड़ा सा पद बढ़ गया, तो हम सोचते अब हम बड़े कलाकार हो गए। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है आप चाहे आकाश की किरणों पर चढ़ जाएं, चाहे आप पानी की पताल में उतर जाएं, प्रभु के सामने से हम नहीं बच सकते, वो आपको कहीं से भी गिराने में सक्षम है। और प्रभु का वचन कह रहा है, पास्टर रूबेन नहीं कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है मेरे प्रिय बेटे बेटियों, तुम मुझसे दूर होकर के, अलग होकर के, अपनी धार्मिकता में जी करके कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें मुझसे वेल कनेक्टेड रहना पड़ेगा, टूटे रहना पड़ेगा।
मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सब करना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ? कितने लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? कुछ करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत, मैं आप चाहते हैं कि आपका आगे का जीवन सफल हो, आशीषित हो, आनंदित हो, परिवार सब चीज में। कितने लोग चाहते हैं आपके घर में आशीष आए? यस, कम ऑन, रेज योर हैंड। यस, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मुझसे अलग होकर के तुम वो सब कुछ नहीं कर पाओगे जिसका आप बैठकर अभी इमेजिनेशन कर रहे हैं। यू मेक प्लान्स, बट प्लान्स सारे सक्सीड होंगे उस दाखलता में से। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताकर अंत करूंगा, जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे तो आप प्रभु से कभी वो चीज नहीं मांगेंगे जो उसके दिमाग के बाहर होगी, कभी नहीं मांगेंगे। प्रभु का दास कहता है ना, प्रभु तू मुझे अपना मन दे, अपना दिमाग दे। जब आप प्रभु के साथ कनेक्ट रहते हैं, जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका दिमाग प्रभु के दिमाग की तरह सोचता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना आप प्रभु के साथ चलेंगे उतना आप प्रभु की स्वरूपता में बदलते जाएंगे और आप प्रभु की तरह सोचना शुरू करेंगे। और आप जब प्रभु की तरह सोचेंगे, आप प्रभु से कभी नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे चार्टर प्लेन दे दे, तेरे वचन में लिखा है जो चाहो मांगो हो जाए। आप कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रभु आपके लिए क्या जरूरत है वो प्रभु आपके दिमाग में डाल देगा कि तेरी क्या जरूरत है, और आप अपनी जरूरत ही मांगेंगे। और वचन में लिखा है तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। आप जो शुभ संदेश के द्वारा, शुभ संदेश टेलीविजन के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारा इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आज इस वचन ने आपको छुआ है, अगर इस वचन ने आपसे बात की है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारी प्रार्थना की टीम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेगी। यदि आप अंगीकार की प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में निराश हैं, आपके जीवन में कोई संघर्ष है, इस समय अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने उस जगह पर हाथ रखें। यदि आप किसी शरीर के भाग से परेशान हैं, यदि आप आर्थिक मानसिक रीति से, भावनात्मक रीति से परेशान हैं, अपने सर पर हाथ रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय सनातन के प्रभु, जीवन तेरे हाथ में है, तेरा वचन बताता है कि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं, लेकिन मेरे साथ होकर के, मुझ में होकर के तुम सब कुछ कर सकते हो। प्रभु आज टेलीविजन के माध्यम से जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रभु इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, इस जवान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु तेरा लहू छू ले इसको पिता। यदि इस बहन के मन में सुसाइड की भावना है, यदि इस भाई के मन में सुसाइड की भावना है, यदि यह आत्महत्या करना चाहता है, हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करें। आपके अंदर उत्पन्न होने वाला सुसाइड का, आत्महत्या का सारा ख्याल यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। आपका जीवन अमूल्य है बहन, आपका जीवन बहुमूल्य है मेरे भाई। प्रभु आपके साथ है, हम आपके साथ है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तू छू ले, प्रभु छू और भाई को, बहन को बड़ी आशीष दे। प्रभु इनके जीवन में एक नया सवेरा ला पिता, ताकि प्रभु ये आशीषित हो सके। प्रभु पूरी कलीसिया पर तेरी आशीष हो, इस दान पर तेरी आशीष हो, शुभ संदेश के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं प्रभु, उन सब पे तेरी आशीष हो पिता। दया कर पिता, हमारे भारत देश पर तेरी आशीष हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर तेरी आशीष हो, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पर तेरी आशीष हो, प्रशासन पर तेरी आशीष हो पिता। दया कर प्रभु, हम आशीषों की और शांति की अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। आप अपनी भेंट और दशमांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।